वेलकम टू एडवर्ड 7 कंप्यूटर साइंस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द XML स्कीमा। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी डेफिनेशन में जाने से पहले, क्योंकि क्या होता है ना, हम डेफिनेशन में जाते हैं फिर हमें लगता है अरे ये क्या है, क्या बड़ा चीज़ आएगी इसमें, कौन सी डेफिनेशन होगी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्कीमा, वॉट इज़ द पर्टिकुलर वर्ड्स मीनिंग। सो हेयर इज़ अ स्कीमा। स्कीमा मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लान। आप कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करें, तो उसका ब्लू प्रिंट्स क्या होगा, क्या प्लान क्या होगा, क्या एलिमेंट्स होंगे जो आप उसे रखना चाहते हैं। तो बेसिकली इतनी सी बात है आपकी XML स्कीमा में। इट इज़ अ सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जनरल डेफिनेशन ऑफ स्कीमा ओनली, सो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लान। नाउ वी विल टॉक अबाउट द XML स्कीमा। सो इन द जनरल लैंग्वेज वी कैन से दैट स्पेसिफाई XML स्कीमा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द XML स्कीमा इज टू स्पेसिफाई स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। जब हम एक XML डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हमें पहले बताना होता है कि इस XML डॉक्यूमेंट में हमारा रूट एलिमेंट, वी विल डिस्कस इट लेटर, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हम XML पूरा अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे उसको बहुत अच्छे से एलैबोरेट नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कि XML स्कीमा है क्या। इसमें आपका डॉम, दैट इज़ अ पार्सर, XML के जितने भी पार्सर हैं, डॉम, SAX, ये सब मैं क्लियर कर दूँगी, और XML स्कीमा के लैंग्वेजेस हैं जो भी DTD वगैरह, वो आप इसमें देखेंगे। तो क्या होता है ना कि जैसे आपने XML, ये यूज़र डिफाइंड होता है आपको पता है, तो यूज़र डिफाइंड में एक रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट मस्ट बी सेम एज द डॉक्यूमेंट नेम, मतलब आपका रूट एलिमेंट वही होना चाहिए जिस नाम से आप XML डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं। तो वहाँ पे रूट एलिमेंट आप लिखते हैं, फिर उसके अंडर में चाइल्ड एलिमेंट्स, आपके जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो लिखते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्कूल का डेटा तैयार करना है। XML एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं डेटाबेस होता है, जिसमें हम कभी भी कुछ भी इम्बेड करते हैं या कुछ डिलीट करते हैं, तो वो उसको एक प्रिंट फॉर्म में, एक पेज के फॉर्म में, एक प्रिंट फॉर्म में उस डेटा को मैनेज करके हमें वो प्रिंटेड फॉर्मेट में वो प्रोवाइड करा देता है, जिससे आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक पेज A4 साइज़ के पेज के फॉर्मेट में या कुछ भी। तो XML इस तरह से काम करता है, डेटाबेस की तरह, कि आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं या आप उसको एडिट कर सकते हैं एक पेज फॉर्मेट में। डेटाबेस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं, क्वेरी चलाते हैं एंड ऑल, बट XML वो डेटाबेस नहीं है। बट आप इसको एक, इट इज़ अ काइंड ऑफ द डेटाबेस, जिसमें आप किसी भी डेटा को एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक स्कूल का कोई डेटा तैयार करना है, तो स्कूल इज़ अ रूट एलिमेंट, फिर इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लेनी, लाइक मैनेजमेंट, ऑफिस, टीचर्स एंड देन एंड ऑल। तो इस तरह से आप डेटा को तैयार कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीज़ हटानी, क्या करना है, वो चीज़ आप एडिट वेडिट कर सकते हैं। उसके लिए पार्सर होता है, और भी चीज़ें होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आपने जैसे रूट एलिमेंट लिया स्कूल, अब स्कूल में आपका क्लासेस हो गए, क्लासेस के बाद वट एवर अदर चाइल्ड एलिमेंट्स लाइक आपके टीचर्स, ऐसे करके आप अपना पूरा XML जो होता है डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। और XML डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए XML हेडर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम XML हेडर में वर्जन लिखते हैं, जो XML का वर्जन होता है, और फिर इसके बाद हम इसमें XML में इनकोडिंग की जो भी फॉर्मेट है, जैसे कि कंप्यूटर हमारा 0 और 1 में ही समझता है, पर वी आर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो हमें हाई लेवल लैंग्वेज में फिर कन्वर्ट होता है 0s and 1s में। जब ये 0s and 1s में कन्वर्ट होता है और फिर हमें वापस प्रोसेस होने के बाद मिलता है, तो वो तो 0s और 1s में ही रह गया। तो प्रोसेस होने के बाद वो UTF के थ्रू वापस से कैरेक्टर सीक्वेंस में हमें मिल जाता है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था YouTube में, आप देख लीजिएगा, डिटेल्ड वीडियो है। देन यहाँ पे आता है इनकोडिंग, देन वर्जन हो गया आपका, एंड देन स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन हमारा डिफाइन करता है कि आपका जो DTD है, दैट मीन्स XML स्कीमा जो आप लिख रहे हो, दैट मीन्स प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना रहे हो या स्पेसिफाई कर रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट, तो वो आप इसी में स्पेसिफाई कर रहे हो विद इन अ XML डॉक्यूमेंट या कहीं बाहर स्पेसिफाई कर रहे हो। अगर बाहर तो आप येस लिखेंगे, स्टैंड अलोन अगर बाहर है
तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे, दैट इज़ आपका ये स्टैंड अलोन है, तो दैट मीन्स यहाँ पे डीटीडी आपका बाहर बना हुआ है. अगर स्टैंड अलोन येस है तो दैट मीन्स आपका जो डीटीडी या एक्सएमएल स्कीमा का जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, जैसे रिलैक्स एनजी, दैट मीन्स रेगुलर लैंग्वेज फॉर XML, नेक्स्ट जनरेशन, और DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन, और SOX स्कीमा फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड XML. सो बहुत सारे स्कीमास के भी लैंग्वेजेस हैं, तो वो आप यूज़ कर रहे हो तो विद इन अ XML डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहे हो या बाहर यूज़ कर रहे हो. तो अगर आप विद इन अ स्टैंड अलोन नहीं है तो आपका DTD मस्ट भी वो आपने बाहर बना अलग से बनाई है वो फाइल, और अगर येस है तो आपने विद इन अ XML डॉक्यूमेंट में ही फाइल बनाई है. तो ये बेसिकली XML हेडर होता है जो आपको लिखना ही होता है. बाद में आप यूज़र डिफाइंड टेक्स्ट को बनाते हैं और इस तरह से आप अपना XML डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं. अब ये होता है कि XML स्कीमा की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें ही क्यों. देखिए, जब आप वैलिड XML होता है ना, एक वैलिड XML और एक होता है वेल फॉर्म्ड XML. तो वेल फॉर्म्ड XMLs आर दोज आर वेल फॉर्म्ड XML इज़ एन XML जिसमें सारे प्रॉपर सिंटेक्स जो भी होते हैं आपके XML के, वो प्रॉपरली सिंटेक्स सही हो और आपका नेस्टेड हो प्रॉपरली, सिंटेक्स वाइज पूरा सही हो. सो इनको हम सिंटेक्टिकल या सिंटेक्स बोल देते हैं. पर वैलिड आपका अगेंस्ट DTD या जो भी आपका XML स्कीमा लैंग्वेज है उसके अगेंस्ट चेक होता है. मान लीजिए आप किसी दुकान से कोई सामान लेते हैं, शॉपकीपर से आपने बहुत सारा स्टफ़ लिया, तो आपकी मम्मा ने जो भी सामान की पर्ची दी तो उससे आप उसको चेक कर रहे हो कि कौन सा सामान रह तो नहीं गया या छूट तो नहीं गया. तो ऐसे ही DTD क्या होता है, स्पेसिफाई करता है स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट. और XML स्कीमा बेसिकली इट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ XML डॉक्यूमेंट. ये डिस्क्रिप्शन होता है टाइप ऑफ द XML डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ दैट टाइप. तो कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे डेटा टाइप्स हो गए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो गए, यूनिकनेस हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए एंड डेटा टाइप्स. तो इसके अगेंस्ट आपका पूरा DTD आपका तैयार होता है. तो अभी हम देखेंगे DTD क्या होता है. तो XML स्कीमा, सो देयर आर द वेरियस लैंग्वेजेस यूज फॉर द XML स्कीमा. फर्स्ट इज DTD आप यूज़ करते हैं, ये मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट, बहुत ही मतलब आपका मोस्ट वाइडली सपोर्टेड स्कीमा लैंग्वेज है, वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कीमा है, तो हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं. वैसे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं रिलैक्स NG, दैट इज़ रेगुलर लैंग्वेज फॉर XML, नेक्स्ट जनरेशन एंड SOX, दैट इज़ स्कीमा फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड XML. तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, पर हम DTD देखेंगे यहाँ पर. इसमें भी आता है तो XML, अब आपको पता चल गया इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नो दैट इज़ अ जनरल मीनिंग. इट इज़ टू स्पेसिफाई स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ द XML डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड द स्ट्रक्चर और द कंटेंट एंड द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइप. सो आप इस तरह से देख सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो मैंने शायद XML में ये सब बता रखा था इंटरनल. सो इंटरनल में क्या होता है, जब आपका स्टैंड अलोन आप वैल्यू यहाँ पे येस देते हो पर आप डॉक्यूमेंट, तो अब मैं फिर से XML हेडर लिखूँगी, XML वर्जन, यहाँ पे आप इंटरनल DTD क्रिएट कर रहे हो. DTD की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि हमारा जो टाइप ऑफ XML है वो कैसा है, उसमें कंटेंट क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं. जब आपका XML वैलिडेट होगा तो अगेंस्ट DTD ही वैलिडेट होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वगैरह. तो मैं बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है, मतलब आपका क्या चल क्या रहा है. तो वेल फॉर्म्ड आपका सिंटेक्स आपका करेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर नेस्टेड होना चाहिए, ये केस सेंसिटिव है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए. तो वर्जन हमारा 1.0 इनकोडिंग अंडर UTF-8 एंड स्टैंड अलोन येस बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट हेयर इंटरनल DTD. नाउ
we have to write dog type. So here dog type inform the parser that DTD associated with the this file. अब ये dog type क्या करता है, inform करता है parser को कि DTD इसमें attached होने जाता है. अब parser क्या है, parser एक software. अब क्या है parser, जैसे मैंने बताया parser is a software और a software package that provides a client. ये क्या करता है, ये client को provide कराता है API और इंटरफेस, एप्लीकेशन इंटरफेस. इट प्रोवाइड्स अ क्लाइंट, इट प्रोवाइड्स अ इंटरफेसेस फॉर द क्लाइंट टू वर्क विद XML डॉक्यूमेंट. क्योंकि हमारे जो पार्सर के पास सॉफ्टवेयर होते हैं, पैकेजेस, सॉफ्टवेयर के पैकेजेस होते हैं जिसमें वो XML से रिलेटेड सारे सिंटेक्स और सारी चीज़ें पहले से ही होती हैं, जिसके थ्रू ये प्रोवाइड कराता है क्लाइंट को कि एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू वो XML में वर्क कर पाए. तो जैसे कि हमारा हो गया डॉम, डॉम हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देता है एज एन इंटरफेस. कि मान लीजिए आपने कोई स्टूडेंट नाम का कोई डेटा तैयार करना है तो वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करा देगा, जिसके थ्रू इसमें मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत कम मतलब इनसफिशिएंट मेमोरी होती है, क्योंकि काफ़ी सारा डेटा हम इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स में बनाते हैं. और ये एक तरह का इंटरफेस की तरह काम करता है जब भी हम डेटा को एम्बेड करते हैं या फिर उसको डिलीट करते हैं, वॉट एवर. तो ये पार्सर को बताता है डॉक टाइप कि यहाँ पे इंटरनल DTD क्रिएट हो रही है, ताकि वो क्लाइंट के लिए एक इंटरफेस की तरह उस जो पूरा डेटा है उसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर में शो कर दे. तो डॉम ये होता है. और एक और होता है पार्सर, दैट इज़ SAX. ये इवेंट बेस्ड होता है, इसमें मेमोरी का सफिशिएंट होती है, इवेंट बेस्ड होता है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर पे काम नहीं करता. जब इवेंट परफॉर्म होता है ये तभी इंटरफेस को क्रिएट कर देता है, बस इतना सा काम होता है पार्सर का. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, सपोज दैट आवर रूट एलिमेंट इज एड्रेस. सो रूट एलिमेंट मस्ट बी सेम एज द डॉक्यूमेंट नेम, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा. नाउ फिर हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हेयर. अगेन वी हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट नेम. एड्रेस में अगर मैंने नेम दिया हुआ है देन ये पार्स्ड डेटा. आपने देखा कि एलिमेंट नेम हमने लिखा, फिर PC डेटा मीन्स होता है पार्स्ड डेटा, दैट मीन्स जो पार्सर के अगेंस्ट उस डेटा का पूरा पार्स्ड होता है वो डेटा, जो भी आपका डेटा टाइप है वॉट एवर. एंड एलिमेंट फिर हमने लिया, एड्रेस नेम रखेंगे, एड्रेस रखेंगे, फ़ोन नंबर रखेंगे. तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. अब यही स्ट्रक्चर जब आप XML बनाएंगे तो यही DTD के अगेंस्ट चेक होता है, जिसे हम कहते हैं वैलिड हुआ, ये वैलिडेट है कि नहीं है, वेल फॉर्म्ड हमारा सिंटेक्स के थ्रू चेक होता है. और एक चीज़ और है कि ये एलिमेंट आप कैप्स में लिखेंगे एलिमेंट. एंड बाकी आपने यहाँ पे अब देख लिया, आपने पहले नेम लिखा तो हमने एड्रेस रूट एलिमेंट लिया, नेम लिखा, फिर इसके बाद हमने क्या लिया था, एड्रेस लिया था. तो हमने ऐसे ही XML डॉक्यूमेंट बनाया, एड्रेस आपका ABC वॉट एवर जो आप लेना चाहो वो एड्रेस हो गया आपका. फिर इसके बाद फ़ोन नंबर देखिए, एंड देन आपको क्या करना है, इसको प्रॉपरली रूट एलिमेंट को क्लोज कर देना है. तो इस तरह से आपका इंटरनल XML विद DTD तैयार हो जाता है. एक्सटर्नल वी विल सी. सो एक्सटर्नल में आप देखिए, आपको क्या, वैसे ही आपको XML हेडर लिखना पड़ेगा जैसा मैंने पहले बताया, फिर डॉक टाइप, फिर एड्रेस. अब आपको एड्रेस देना है सिस्टम का, तो जो भी आपका रूट एलिमेंट है उसका नेम, एड्रेस नहीं, रूट एलिमेंट है. रूट एलिमेंट हमने एड्रेस लिया हुआ था और उसको सिस्टम, उसको हमें सिस्टम में, और address.dtd फाइल नेम है, क्योंकि रूट नेम भी सेम होना चाहिए. और इसी फाइल नेम से हम DTD एक्सटर्नली तैयार करेंगे एक्सटर्नल फाइल के रूप में. नाउ स्टैंड अलोन हेयर नो, क्योंकि हमारा DTD इंटरनल नहीं है, सेम फाइल में DTD नहीं है, दैट्स वाई हेयर इज़ अ स्टैंड अलोन नो. नाउ डॉक टाइप वॉट एवर, दिस इज़ अ
XML header, this is a doc type which indicates the parser. There is a document type description and the definition. और ये हमारा कहाँ है, external file में है, तो external file से हमारा ये XML file validate होगी. तो हमने external file में जा कर के अपना elements जो भी थे, जो जो elements थे, वो यहाँ पर लिख दिए. तो इस तरह से हमारा external DTD हम फाइल बनाते हैं. तो इस दो तरीके से हम XML डॉक्यूमेंट बनाते हैं. तो यही हमारा टोटल XML स्कीमा है. होप गाइस कि आपको ये XML स्कीमा समझ में आया होगा. अगर आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल.